हेलो एवरी वन वेलकम टू पी डब्ल्यू आई आई टी जैम एनसीट यूट्यूब चैनल आई एम योर मेंटर अंकिता एस त्रिपाठी आज आप सभी का टारगेट आई आई टी जैम ट्वेंटी में बहुत स्वागत है बच्चों जैसे हम प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे हमने प्लांट हार्मोन्स पर लिए प्लांट हार्मोन्स में भी हमने ऑक्सीजन साइटोकाइनिन इथाइलिन एपसाइसिक एसिड के बारे में जान लिया था बच्चों एक और हार्मोन हमारे पास बचा हुआ था दैट वाज घिब्रिलिक एसिड या जिब्रिलिक एसिड जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करते हो आज हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इससे पहले हमने आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था जो कि वैस्कुलर प्लांट्स पे होता है और उसमें भी हमने वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था बच्चों चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं गिब्रेलिक एसिड के बारे में तो शुरू करते हैं जो हमारा गिब्रेलिक या फिर आप बोल सकते हो जिब्रेलिक एसिड है ये किससे डिस्कवर किया था सबसे पहले कुरुसोवा एक साइंटिस्ट थे जापान के उन्होंने जब वो स्टडी कर रहे थे एक फंगस को दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बकानी डिजीज इन राइस या आप उसको बोल सकते हो फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस उसको स्टडी कर रहे थे क्योंकि ये जो फुलिश सीडलिंग थी राइस में ये जो बीमारी हो रही थी ये हो रही थी ड्यू टू अ फंगस उस फंगस का नाम क्या था उस फंगस का नाम था गिबरेला क्यूरोय कि ये फंगस का नाम था बच्चों इस फंगस की वजह से एक डिजीज हो रही थी जिस डिजीज को हम क्या बोलते हैं इस डिजीज का नाम था पुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस पुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं बकानी डिजीज बगानी डिजीज जब जापान के साइंटिस्ट कुरुसोवा इस फंगस के बारे में पढ़ रही थी क्योंकि ये फंगस किसके लिए रिस्पांसिबल था ये फंगस रिस्पांसिबल था फॉर कॉजिंग फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस इसका मतलब क्या था यूजुअली उन्होंने ये देखा कि क्या हो रहा था जो राइस के पेड़ थे वैसे तो उनकी लेंथ क्या थी छोटी उनकी हाइट जो थी वो बहुत छोटी-छोटी थी लेकिन कुछ टाइम में जब इस फंगस का इंफेक्शन हुआ तो एकदम से स्टेम में एलोंगेशन हुआ और राइस के पेड़ बिल्कुल अनवांटेड आप बोल सकते हो ना एक अनयूजुअल ग्रोथ पैटर्न शो करने लग गए स्टेम एलोंगेशन होने लग गया क्योंकि वो जो इंटर नोडल और नोडल का रीजन था वो एकदम से वहां पे सेल डिजन होने की वजह से वो एलोंगेट होने लग गए सेल डिविजन तो हुआ ही हुआ क्योंकि गिप्टिल एसिड आपका सेल डिविजन को भी कंट्रोल करता है लेकिन सेल एलोंगेशन भी होने लगा जिसकी वजह से अनयूजअली लंबे लंबे आपके राइस के प्लांट्स होने लग गए थे तो इसी लिए बच्चों ये जो जिबरेलिक एसिड की शुरुआत हुई थी या डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले कुरुसोवा के वजह से ही हुई थी इसके अलावा अगर हम देखें तो याबुटा और सुकुमी ये दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जिबरेलिक एसिड को आइसोलेट किया था ठीक है इसमें उन्होंने क्या देखा जब हम फुल्लीश सीडलिंग डिजीज इन राइस की बात कर रहे हैं तो यहां पे अनयूजुअल एलोन्गेशन था अनयूजुअल स्टेम था और इस अनयूजुअल स्टेम इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था आपका जिब्रिलिक एसिड चलिए अब हम बात करें जैसे मैंने आपको बोला अनदर साइंटिस्ट याबुटा एंड सुमुकी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था फर्स्ट आइसोलेटेड जिब्रेलिक एसिड एसिड From fungus, फंगसिप्रेलाई इसमें से सबसे पहले गिप्रेलिक एसिड को आइसोलेट किया था आपके याबुटा और सुमुकी ने अब अगर हम और बात करें बच्चों तो यूजुअली जो गिप्रेलिक एसिड या जिप्टलिक एसिड होता है वो अभी तक कितने डिस्कवर्ड हुए हैं उसके बारे में बात करें तो अप्रोक्सिमेटली मोर देन अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं ठीक है तो कितने डिस्कवर्ड हुए हैं बच्चों ये नाम आपको याद रखना है नाम में भी आपको क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन से फंगस से हमने जिब्रेलिक एसिड को आइसोलेट किया है चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लगभग कितने हैं अप्रोक्सिमेटली या फिर आप बोल सकते हो मोर देन वन हमारे पास आज की डेट में जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड है डिस्कवर्ड है इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिप्रेलिक एसिड असल में होता क्या है तो यूजुअली आपने बच्चों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा है प्लांट्स क्या करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सेक्रेट करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ऐसे मेटाबोलाइट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट एक प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो मेटाबोलाइट्स रेगुलेट करते हैं दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वहीं अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो डायरेक्टली तो एक प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली एक प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं या इंटरमीडिएट के फॉर्म में एक्ट करते हैं किसी भी प्लांट के किसी डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज को रेगुलेट करने में ठीक है तो जिबरेलिक एसिड भी बच्चों जब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ते हैं उसमें आपको लार्जेस्ट क्लास दिखती है जो होती है टोपिनस की या फिर ऑक्सीजिनेटेड टोपिनस की जिनको हम टोपिनोइड्स बोलते हैं तो जिबरेलिक एसिड भी आपका क्या है एक डाई है ठीक तो है तो जिबरेलिक एसिड क्या है टेट्रा टेट्रासाइक्लिक आप बोल सकते हो डाई टोपिनॉइड है ये ठीक है डाई टोपिनॉइड है इसका डिप ट रोल होता है जब हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पढ़ेंगे जिब्रेलिक एसिड्स के तो यूजुअली आप ये देखोगे बच्चों स्टेम अलॉन्गेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपको पहले ही पता चल चुका है स्टेम एलोंगेशन के अलावा सेल डिविजन करवाना सीड डॉर्मेंसी या बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना फिर सीड जर्मिनेशन करवाना जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ फ्रूट सेट करवाना फिर या तो फ्लॉरिंग को इंड्यूस करवाना ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो जिब्रेलिक एसिड परफॉर्म करता है अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें ये किस तरीके का दिखता है अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो यूजुअली इसमें क्या होता है एंड किलीटन प्रेजेंट होता है और ये ही वो मेन स्केलेटन है बच्चों एंड गिब्रेलिन मेन स्केलेटन है जिससे आपके डिफरेंट हमने क्या बोला हमने बोला ना वन थर्टी सिक्स आपके पास प्रेजेंट है तो ये डिफरेंट जो जिब्रेलिक एसिड्स हमारे बनी हैं वो उनका जो मेन प्रिकर्सर है या मेन स्केलेटन है वो कौन सा है दैट इज एंड गिब्रिलेन स्केलेटन तो मैं लिख देती हूं इसके बारे में इट इज मेन Skeleton from which different gibberellic acid, yeah, gibberellic acids are derived. gibberellic acids are derived.

जेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप एट कार्बन सेवन पोजिशन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर और देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसी की वजह से इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इसमें ये वाली बॉक्स से ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चलिए

फंगस से आपका याबुटा ने क्या आइसोलेट किया आपके जिबरेलिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया याबुटा एंड सुमुकी ने फ्रॉम द फंगस गिब्रेला फ्यूजिकुराई अगर इसके बाद भी बात करें तो लगभग आपके पास 136 जिबरेलिक एसिड हैं जो टिल डेट डिस्कवर्ड हो चुके हैं बच्चों और जिबरेलिक एसिड है क्या बेसिकली ये एक डाइट है ठीक है या आप बोल सकते हो डाइटोपिन है जिसमें हम क्या बोलते हैं इसके पास एंट गिब्रिल स्केलेटन है ये स्केलेटन बेसिकली वो मेन स्केलेटन है जिनसे फिर फर्दर आपको डिफरेंट टाइप के जो गिब्रेलिक एसिड मिलेंगे उनमें ये स्केलेटन आपको दिखेगा ही दिखेगा जहां हम कार्बन सेवन पोजिशन की बात करते हैं स्केलेटन में तो वहां पे यूजली आपको कार्बोक्सल ग्रुप दिखता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती है या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है जिब्रेलिक एसिड की उसके लिए अब बात करते देखते बच्चों जब हमने सारी चीजें बात कर ली है तो हमारे पास बात होती है साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर हम साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करें कि ये यूजुअली सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं तो इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस होती है यंग डेवलपिंग सीड्स हो गए रूट्स हो गए या फिर आपके शूट्स हो गए लीव्स हो गए वहां पे ये सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होता है तो देखिए अगर साइट ऑफ सिंथेसिस में तो आपके जो भी यंग एंड डेवलपिंग Seeds, leaves, shoots. इन जगहों पर यह क्या होते हैं सिंथेसाइज होते हैं प्लास्टिडल हो गया कभी कभी इनका जो स्केलेटन फॉर्मेशन होता है या बायोसिंथेसिस होती है कुछ स्टेजेस इनकी प्लास्टिड में होती है क्लोरोप्लास्ट के प्लास्टिड बेसिकली वहां से आप प्लास्टिड टर्म यूज करोगे प्लास्टिड में होती है और कुछ मॉडिफिकेशन इसके एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं और फर्दर कुछ सिंथेसाइज होते हैं आपके साइटोसोल में तो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में इनका सिंथेसिस या पूरा बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कैरी आउट होता है ठीक है अब अगर हमने साइट ऑफ सिंथिस की बात करी बच्चों

ट्रांसपोर्ट जिब्रिलिक एसिड हम जिब्रिलिक एसिड को जीए के फॉर्म में भी लिखते हैं तो आप देख सकते हो कि जीए क्या है जिब्रिलिक एसिड है अब यू अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इसके बायोसिंथेसिस की बायोसिंथेसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जब हम एसिड के बायोसिंथेसिस की बात करते हैं मैंने क्लियरली आपको एक चीज बता दी बच्चों डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट मॉडिफिकेशन होते हैं और अल्टीमेटली जब हाइड्रॉक्सिलेशन हो रहा है कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो आपके डिफरेंट डेरिवेटिव बनते हैं डिफरेंट जिब्रेलिक एसिड्स के एनालॉग्स बनते हैं ठीक है तो शुरुआत कहाँ से होती है आप जानते हो आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट से डाइमिथाइल एलाइल पायरो लगा तो फिर आपका जेरेनाइल पायरोट बना फिर जेरेनाइल काइरोफॉस्फेट में आइसोपेन्टिनाइल पाइरोफॉस्फेट लगा तो फिर आपका फार्नेसाइल बना फिर आपने आइसोपेन्टिनाइल पाइरोफॉस्फेट डाला तब आपका अल्टीमेटली बनता है 20 कार्बन का जेरेनाइल जेरेनाइल पाइरोफॉस्फेट ये कितने कार्बन का है बच्चों दिस इज 20 कार्बन का जेरेनाइल जेरेनाइल पाइरोफॉस्फेट ये जेरेनाइल जेरेनाइल पाइरोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू एंड कोपर्टाइल डाइफॉस्फेट पे एंड कोपर्टाइल डाइफॉस्फेट गेट्स कनवर्टेड इनटू एंड कोरिन एंड कॉरेन का फर्दर कॉरेनोइ एसिड में कन्वर्जन होता है फिर फर्दर इसका हाइड्रोक्सीलेशन होता है तो एंड सेवन हाइड्रोक्सी एसिड हुआ मतलब आप यहां पे देख सकते हो डिट है, या है बच्चों, क्योंकि सारी आपको याद करने, से, अगर मैं आपको बोलूँ तो इतने एंजाइम्स आपको कुछ भी याद नहीं करने आपको सिंपल यही याद रखना है कि हमारी कैसे थी एंट गिबरिले जो स्केलेटन uh, था वो उसका स्केलेटन है या फिर आप बोल सकते हो आप ये याद रख सकते हो कि एंट कोरिंथ एंड कोरिन से पहले कोरोनोइक एसिड बना फिर हाइड्रोक्सी कोरोनोइक एसिड बना अल्टीमेटली एल्डिहाइड बना एल्डिहाइड बनने के बाद सबसे पहला गिब्रेलिक एसिड बनता है विच इज जी ए ट्वेल्व हमेशा याद रखना बच्चों जी ए ट्वेल्व क्या है फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड टू बी सिंथेसाइज सिंथेसिस में जो सबसे पहला कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा के होता है वो होता है जी ए ट्वेल्व फिर जी ए ट्वेल्व फॉर्दर क्या है अभी अगर आपको जी ए ट्वेल्व है जी ए ट्वेल्व से डिफरेंट डेरेवेटिवस बनाने हैं जिब्रिलिक एसिड के तो आप देख सकते हो जी ए ट्वेल्व से जी ए फिफ्टी थ्री भी बन सकता है जी ए फिफ्टी थ्री से जी ए फोर्टी फोर बन सकता है जी ए फोर्टी फोर से जी ए नाइनटीन बन सकता है जी ए नाइनटीन से जी ए ट्वेंटी बन सकता है या फिर आप देख सकते हो जी ए वन से भी जी ए ट्वेंटी बन सकता है जी ए नाइनटीन से जी ए सेवेंटीन बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ हाइड्रोक्सीलेशन हो रहा है कार्बोक्सीलेशन हो रहा है ऑक्सीजनेशन हो रहा है क्या डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका

हैं जी का इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड वो कहाँ पे हो रहे हैं साइटोसोल में हो रहे हैं यहाँ मीन ये बीच वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो एंड कोरिन से लेके आपका जी ए असल में कहाँ पे बन रहा है जो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में ऑक्सीडेशन होता है इन सारे स्टेप्स का तब जाके आपको फाइनली मिलता है पहला जिब्रेलिक एसिड विच इज जी ठीक है फिर ये जी ए ट्वेल्व कहा जाता है साइटोसोल में और वहां पे इसका फिर मॉडिफिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन इसको किस टाइप का एसिड बनाना है किस टाइप के डेरिवेटिव्स बनाना है और किस डेरिवेटिव का पे इंपॉर्टेंट रोल है में है में सीड हैर्मिनेशन को ब्रेक करने में है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करने में है स्टेम एलोंगेशन करने में है या फिर आप बोल सकते हो सेल डिविजन या डिफ्रेंसिएशन करवाने में है तो इसके बेसिस पे हम जिब्रेलिक एसिड्स के को पढ़ते हैं दिस वॉज ऑल अबाउट सिंथिस बायोसिंथिस ऑफ जिब्रेड बुटेरिक एसिड यहाँ पे शुरुआत यहाँ से क्यों हुई बच्चों जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट से क्यों हुई क्योंकि आप जानते हो जब हम मैंने आपसे क्या बोला जिप्रेरिक एसिड क्या है एक डाइटोपिनॉइड है अगर आप डाइटोपिन या डाइटोपिनॉइड की बात कर रहे हो तो हम जानते हैं टोपिनस के जो प्रिकर्सर होता है जिससे टोपिन बनती हैं वो फाइव कार्बन का आइसोपेंटेनाइल आप बोल सकते हो आइसोप्रीन सब यूनिट होती है आइसोप्रिंट फिर फर्दर किस तरीके से पूरे पाथवे को कैरी आउट करती है तब जाके टोपिन बनते हैं ठीक है थीके? तो उसमें हमारे आइसोप्रीन या फिर आइसोपेंटेनाइल पायरोट ये सब वगैरह ये वाले जो डेरिवेटिव होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है थीके? तो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रिलिक एसिड अब जिब्रिलिक एसिड का बायोसिंथेसिस कर लिया तो लास्ट पोर्शन हमारा बचा दैट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ जिब्रिलिक एसिड फिजियोलॉजिकल फंक्शन में आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेम एलोंगेशन तो सबसे पहला फंक्शन होता है स्टेम एलोंगेशन अब स्टेम एलोंगेशन की बात अगर हम करें बच्चों तो सबसे पहले आपने क्या बोला फर्स्ट फंक्शन इज स्टेम एलोंगेशन

का ट्रांसपोर्ट होता है आपका जस्ट फॉर्म में या तो वो प्रोटोनेटेड या डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आपके सेल वॉल का जो पीएच होता है उसमें चेंजेस लाते हैं या मॉड्यूलेशन आते हैं जिसके वजह से आपकी जो एक्सटेंसिबिलिटी होती है सेल वॉल की वो इंक्रीज करती है सिमिलरली आपका गिब्रलिक एसिड भी हमारे जो भी सेल है सेल के वॉल में एक्सटेंसिबिलिटी कॉज करता है एक्सटेंसिबिलिटी कॉज करने की वजह से सेल क्या होते हैं एलोंगेट कर जाते हैं तो सेल अगर एलोंगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेम का स्टेम्स के सेल्स जो होंगे इंटर नोडल जहां पे इंटर कैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है वहां पे बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहां पे हम लिख देते हैं जो स्टेम स्टेमिलेशन है इसमें भी टारगेट क्या होता है एसिड आपके इंटर कैलरी किसको एक्टिवेट करते हैं एक्टिवेट करते हैं इंटर कैलरी इंटर कैलरी मेरिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो अगर इंटर कैलरी मेरिस्टम्स को ये एक्टिवेट करते हैं आप जानते हो इंटर कैलरी मेरिस्टम्स कहाँ पे पाए जाते हैं हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की है बच्चों हमारे जो नोडल पोर्शन होता है एक लीफ है लीफ के जो नोड्स होते हैं नोड्स के रीजन में हमारा इंटर कैलोरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे क्योंकि इंटर कैलोरी मेरिस्टम को एक्टिवेट करने उनके सेल डिवीजन उनका सेल एलोंगेशन प्रमोट करता है गिब्रिलिक एसिड इसीलिए आपके जो शूट है शूट का एलोंगेशन होता है तो मेन टारगेट गिब्रिलिक एसिड या जिप्रिलिक एसिड का क्या है बच्चों इंटर कैलरी मेरिस्टम जिसके वजह से क्या होता है आपका हम दोनों चीजें देख सकते हैं सेल डिविजन भी होता है सेल भी भी होता है और कभी-कभी आपने ये भी सुना होगा कि एसिड सेल डिफ्रेंसिएशन करवाने भी, भी कभी कभी इन्वॉल्व होती है तो देखा आपने किस तरीके से क्योंकि यहाँ पे ये इस इंटरनोडल नोड और इंटरनोड्स के बीच में यहाँ पे जो आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टम है नोडल रीजन पे इसके क्या सेल डिवीजन करवाता है एलोंगेशन करवाने की वजह से आपका जो स्टेम है या शूट है उसका होता है उसका होता इसीलिए एसिड स्टेम एलोंगेशन कैरी आउट करता है अब सेकेंड फीचर क्या है अगर हम सेकेंड फंक्शन की बात करें जिब्रेलिक एसिड की तो सेकेंड फंक्शन वॉज जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इससे बहुत सारे आते हैं आप अभी आईआईटी आई जैम के बारे में पढ़ रहे हो अगर आप सीयू टी पी के एग्जाम को, को दो या गैट बी के एग्जाम को दोगे या डिफरेंट बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स दोगे और एसिड के बारे में अगर आया तो स्टेम आपका जो ये सीड जर्मिनेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्युं? क्यों क्योंकि मेन जो कंसिडर किया जाता है जिब्रेलिक एसिड के फंक्शन में उसको सीड जर्मिनेशन को कंसिडर किया जाता है चलिए आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीड जर्मिनेशन की सीड जर्मिनेशन आपका जो जिप्रिलिक एसिड होता है आप जानते हो यूजअली जो मोनोकॉड्स होते हैं मोनोकॉड्स क्या एंडोस्पर्म्स जो होते हैं एंडोस्पर्म्स में आपका जो भी स्टार्च है वो कैसे फॉर्म में है वो स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है क्योंकि वो क्या करता है इसीलिए स्टोर्ड फॉर्म में एंडोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है फूड ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है या जर्मिनेटिंग सीड है उसको आप खाना सप्लाई कर सको न्यूट्रिय सप्लाई कर सको और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट कर सको राइट तो सीड जर्मिनेशन में जो जिब्रिक एसिड है वो जो खाना स्टोर्ड है एंडोस्पर्म में उसको तोड़ना भी तो पड़े ऐसा तो नहीं है ऐसा होल खाना ऐसे पक...

ताकि हम प्रमोट कर सके किसके सिंथेसिस को अल्फा अमाइलेज एंड डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को जो कि आपके के केस में अगर देखें तो एल्यूरोन लेयर में सिंथेसाइज होते हैं तो एल्यूरोन लेयर क्या सिंथेसाइज करती है अल्फा अमाइलेज और गिब्रेलिक आ, ये क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिंथेसाइज करती है ये अल्फा अमाइलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो डिफरेंट होते हैं दे ब्रेक द स्टार्च और उस स्टार्च को ब्रेक करके आपको फूड एवले आप जानते हो ना स्टार्च क्या है होमो आप बोल सकते हो अः किससे बना होता है अमाइलोस और अमाइलो से बना होता है आपका स्टार्च राइट आपका रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ होता है होमोपोलीसेक्राइड के फॉर्म में आप स्टार्च को पढ़ते हो तो जब हम स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं बच्चों तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज दैट इज मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और मोनोसेक्राइड विच इज इजिली यूटिलाइज बाय द सीड जर्मिनेटिंग सीड में तब जाके आपका सीड क्या करता है जर्मिनेट करता है तो सेम चीज है हमने क्या बोला हम जब सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट आपका क्या है सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में आपका जो जिब्रेलिक एसिड है वो क्या करता है जिब्रेलिक एसिड डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ डिपेंडेंट सिंथेसिस होता है ऑफ Alpha amylase and other hydrolytic enzyme. Okay. These enzymes are responsible for Breakdown of starch and provides nutrition to the germinating seed. या फिर आप बोल सकते हो ग्रोइंग एम्ब्रियो सर ग्रोइंग एम्ब्रियो इस तरीके से आपका फंक्शन करता है जिब्रेलिक एसिड इन सीड जर्मिनेशन तो कभी भी आपको अब अगर आप कभी सीड को एक जो भी आपका मिट्टी है सॉइल में आप बोते हो एक सीड को पानी देते हो तो आपका वो सीड अंकुरित होता है जर्मिनेट करता है दैट इज ड्यू टू उसमें प्रेजेंट जो जिप्लेिक एसिड है उससे डिपेंडेंट अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस होती है एल्यूरोन लेयर अगर हम मोनोकॉड्स की बात करें वहां पर और अल्फा अमाइलेज जो स्टोर्ड सीड में खाना होता है एंडोस्पर्म के अंदर उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद अवेलेबल करवाता है सीड को जिससे एनर्जी मिलती है और एनर्जी जब मिलती है तब आपका सीड जर्मिनेट करता है ठीक है दिस ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन अब सीड जर्मिनेशन हो गया थर्ड आपका कौन सा पॉइंट है थर्ड इज फ्लारिंग थर्ड जब हम फ्लारिंग की बात करते हैं बच्चों तो फ्लारिंग में क्या होता है अगर आप फ्लारिंग बात करो तो आप लोगों ने यूजली हमने किसकी बात की है हम बात कर रहे हैं फ्लारिंग की अभी आपने वर्नइजेशन ट्रीटमेंट दी हम जब कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं एक हम क्या करते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फ्लारिंग नहीं कर पा रहे तो हम उसको वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज कोल्ड टेम्परेचर की ट्रीटमेंट देते हैं ताकि प्लांट को हम कंपिटेब क्या बोलते हैं आप बोल सकते हो कॉम्पिटेंट बना सकते हैं कि वो जब उसका सीजन आए तो वो क्या करे अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो फ्लार हो फ्लारिंग कर ले ठीक है तो हम अगर किसी भी पेड़ में या पौधे में फ्लारिंग uh, को इंड्यूस करवाना चाहते हैं तो हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं जिसमें वर्निलाइजेशन एक टेक्निक होती है ठीक है उसके अलावा आप क्या कर सकते हो बच्चों की एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हो एक किसी भी पौधे को तो जैसे यूजुअली आपने स्पेनाच का पौधा देखा होगा तो स्पिनाच का पौधा कैसे होता है रोसेट फॉर्म में होता है ठीक है रोसेट फॉर्म में होता है और जब भी उसकी फ्लारिंग इंड्यूस होने वाली होती है तो एक तरीके से लंबा सा स्टेम एलोंगेशन हो जाता है एकदम से स्टेम एलोंगेशन होता है जिसको ब्लॉटिंग कहते हैं और स्टेम जब एलोंगेट होता है फिर फर्दर जब कंडीशन होती है कि हाँ अब फिर आपको फ्लारिंग करनी है तब उसमें से फ्लारिंग होती है तो ये जो ब्लॉटिंग है जब आप अगर आ, क्या बोलते हैं गिब्रेलिक ऐसे ट्रीटमेंट दे दोगे रोसेट टाइप स्पीशीज को जैसे स्पिनाच हो गया ब्रासिका की कोई भी और अदर आ, उनको क्या बोलते हैं प्लांट्स को या को तो उस केस में क्या होता है जिब्रिलिक एसिड की ट्रीटमेंट आपकी ब्लोटिंग के प्रोसेस को जो ब्लॉटिंग के प्रोसेस है उसको इंक्रीज करती है जिसमें फिर फर्दर क्या इंड्यूस होता है फ्लारिंग इंड्यूस होती है तो फ्लारिंग भी कौन करवाता है बच्चों फॉर और इनिशिएटिंग फ्लारिंग और किसमें फ्लारिंग भी इन आप बोल सकते हो रॉसेट प्लांट्स जैसे शेप्ड प्लांट्स में जिसमें हम एग्जाम्पल में आप किसको डाल सकते हो स्पिनेच को डाल सकते हो ठीक है तो जैसे स्पिनेच है ये हमारा लीफ है इस तरीके से ऐसे पत्ते हैं हमारे पास एकदम से आप स्टॉक टाइप देखते हो ठीक है एकदम से स्टॉक देखते हो और स्टॉक में फिर आप देखते हो कि फ्लारिंग इंड्यूस हो गई यहाँ पे हमारे पास क्या है फ्लारिंग इंड्यूस हो गई इस तरीके से तो ये जो फ्लारिंग इंड्यूस होती है ब्लॉटिंग के बाद तो ये फ्लारिंग रोसेट रोसेट का मतलब इसी तरह से होता है बच्चों आपने देखा है ना पालक के पत्ते स्पिनैच मतलब पालक पालक हो गया लाई के पत्ते हो गए तो वो सारे पत्ते किस तरीके से दिखते हैं बच्चों इस तरीके से आपको इस शेप के दिखते हैं और उसमें एक स्टॉक बनती है एकदम से स्टेम एलोंगेशन होता है जिसको हम प्लॉटिंग बोलते हैं और फिर उसमें वो जो एलोंगेटेड स्टेम होती है वहां से फिर निकलते हैं फूल तो वो भी अगर आप गिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट दोगे किसी भी ऐसे प्लांट को जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी इस का एग्जाम्पल लिया तो उसमें भी आप क्या इंड्यूस कर सकते हो बच्चों को इंड्यूस करवा सकते हो तो इसीलिए एसिड एसिड के लिए हम क्या बोलते हैं कि इंड्यूस फ्लारिंग अब फ्लारिंग इंड्यूस हो गई फ्लारिंग के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज फ्रूट सेट फ्रूट सेट के बाद एक और है पॉइंट हमारे पास दैट इज पहले फ्रूट सेट की बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप फ्रूट सेट इज फ्रूट सेट फ्रूट सेट का मतलब होता है कोई भी क्वेशेंट ओवरी ओवरी का मतलब क्या है ऐसी ओवरी जो फ्लारिंग इनिशिएट जिसमें क्या है जो कन्वर्ट नहीं हो रही है इन टू मेच्योर फ्रूट है वो डेवलप नहीं हो रही है इन फ्रूट उसको आप क्वेश्सेंट ओवरी बोलते हो तो जब अगर आप ग्रो आप जिब्रेलिक एसिड की ट्रीटमेंट एक ओवरी को दोगे क्विसंेंट ओवरी को दोगे तो वो एक डेवलपिंग फ्रूट में ट्रांजिशन कर लेगी ठीक है तो फ्रूट सेट का मतलब क्या होता है फ्रूट सेट होता है ट्रांजिशन ट्रांसिशन ऑफ अ ऑफ असेंट ओवरी ओवरी इंटू डेवलपिंग फ्रूट ऑक्सीजन भी ये करवाता है आपको याद होगा हमने जब ऑक्सीजन पढ़ा था फ्रूट ठीक है तो कौन प्रमोट करता है फ्रूट सेट अगर आप गिब्रिलिक एसिड को दोगे तो गिब्रिलिक एसिड की ट्रीटमेंट से ट्रांजिशन हो सकता है क्विसेंट ओवरी मतलब जो ओवरी अभी फ्रूट नहीं बन रही थी उसने अपने जो फ्रूटिंग वाला फेज है वो एक अच्छा खासा फ्रूट में डेवलप नहीं हो पा रही थी अपने आप को रोक रखा था डेवलपमेंट करने के लिए अब अगर आप गिब्रिलिक एसिड ट्रीटमेंट दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में ठीक है इसको बोलते हैं फ्रूट सेट लास्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा सीड डोरमसी को ब्रेक करना या बड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करना ठीक है जो गिब्रिलिक एसिड होता है वो क्या करता है ब्रेक्स सीड सीड डॉर्मिनसी सीट डोरमेंसी या बड डोरमेंसी को ब्रेक करने का मतलब आप जानते हो ना हमने एपसाइसिक एसिड देखा था तो एसिड क्या कर रही थी डोरमेंसी को प्रमोट कर रही थी बड डोरमेंसी को प्रमोट कर रही थी बड डोरमेंसी हुई तो फ्लारिंग नहीं इनिशिएट हो पाएगी सीड डोरमेंसी हुई तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा तो एपसाइसिक एसिड क्या कर रही थी असल में जिब्रलिक एसिड को रोक रही थी ताकि वो ही सीड का डेवलपमेंट ना करे सीड जर्मिनेशन ना हो पाए फ्लारिंग या बड फॉर्मेशन ना हो पाए उन सबको रोकने के लिए तो जब क्या होता है बच्चों आपके पास दो तरीके की सीड्स होते हैं एक होता है क्विस्न सीड रीसेंट सीड क्विस्न सीड ऐसे सीड्स होती हैं जो यूजुअली क्या करती हैं अपनी ग्रोथ को उन्होंने इनहिबिट कर रखा होता है अपना जो ग्रोइंग फेज है उसको इनहिबिट कर रखा होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं और वो अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेती हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन हटके फेवरेबल कंडीशन आ जाती है दैट टाइप ऑफ सीड्स आर क्विस्न सीड्स जबकि अगर हम डोरमेंट सीड्स की बात करें इसी में अगर मैं डोरमेंट सीड्स की बात करूं तो डोरमेंट सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में तो ग्रो नहीं करते अनफेवरेबल कंडीशन में उन्होंने अपनी ग्रोथ को कर रखा होता है लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो भी जाती है तब भी वो ग्रो नहीं कर पाते तो उस केस में हम सीड डोरमेंसी को कैसे ब्रेक करते हैं बाय गिविंग जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट हम फायर ट्रीटमेंट दे सकते हैं स्कैरिफिकेशन कर सकते हैं इन सब मेथड से भी हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हम जिब्रेलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो जिब्रिल एसिड की अगर आप ट्रीटमेंट दोगे तो सीड्स क्या हो जाते हैं सीड्स भी आपका ग्रो कर जाते हैं जर्मिनेट कर जाते हैं तो इसीलिए अभी यहां पॉइंट लिख देती हूं जो क्वेश्चन सीड्स होते हैं ये कैसे सीड्स होते हैं सीड्स दैट क्वेश्चन सीड्स आर सीड्स दैट आर that do not grow under unfavorable conditions but resume their growth but resume their growth on return of favorable conditions

Do not resume. Do not resume growth even under unfavorable in even under favorable conditions. Favorable conditions में भी ये अपनी growth को resume नहीं करते। उनको बोलते हैं आप dormant seeds ठीक है बच्चों लेकिन अब क्या है जब हमने इन्हीं dormant seeds में जो भी हमारे पास ये dormant seed है इस dormant seed में अगर मैंने ट्रीटमेंट किसकी दी gibberellic acid की ट्रीटमेंट दी तो ये अब क्या होगा इट विल जर्मिनेट ये क्या करेगा ये जर्मिनेट कर जाएगा यहाँ पे जर्मिनेट कर जाएगा या ग्रोथ को रिज्यूम कर लेगा इसके ट्रीटमेंट के बाद जब आपने ga ट्रीटमेंट दी किस सीड को dormant seed को

ई से आइसोलेट किया गया था याबुटा और सुकुमी ने इसको आइसोलेट किया था और गिब्रेला क्या है फ्यूजिकोरा एक फंगस है जो कॉज करता है बकाने डिजीज डिजीज या सीडलिंग इन राइस ठीक है जब यूजुअली अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो ये इसका स्केलेटन कैसा होता है एंड गिब्रेलिन का स्केलेटन होता है और यूजली ये कैसा स्केलेटन है ये एक कॉमन स्केलेटन है जिससे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो आपके गिब्रेलिक एसिड्स हैं वो आइसोलेट किए जाते हैं इसमें भी एक इंपॉर्टेंट इनके बायोलॉजिकल जब रिसर्च गई तो एक चीज पता चली कि यूजुअली जो सेवन कार्बन है उस पर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है तो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंस होना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है अगर अभी तक देखा जाए तो मोर देन 136 या लगभग आप बोल सकते हो 136 वन डिस्कवर्ड अब ये डिस्कवर्ड तो हो गए डिस्कवर्ड होने के बावजूद अगर हम देखें इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस तो यूजुअली जो भी यंग और डेवलपिंग सीड्स हो गए लीव्स हो गए शूट्स हो गए उनमें ये प्रेजेंट होता है सिंथिसाइज किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोम अब जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है बायोसिंथेसिस अगर आप देखोगे तो कैसा है ये है यूजुअली डायटोपिनॉइड तो हमारे पास क्या होगा आप ये देख सकते हो जेरेनाइल जेरेनाइल पाइरोफॉस्फेट से लेके डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनते हैं कहीं पे हाइड्रोक्सीलेशन हुआ कहीं पे कार्बोक्सीलेशन हुआ जिससे एक कार्बन जुड़ गया एक कार्बन जुड़ गया तो आपका जीए19 से 20 बन गया इस तरीके से कहीं हाइड्रोक्सीलेशन होना है कहीं क्या बोलते हैं कार्बोक्सीलेशन होना है जैसे C13 का हाइड्रोक्सीलेशन हो जाए तो कोई एक टाइप का आपका जिबरेलिक एसिड बन जाता है तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स या डेरिवेटिव्स ऑफ जिबरेलिक एसिड बनती हैं सबसे पहला जो बना दैट वाज जीए12 जीए12 फिर आपके आगे आगे फर्दर डिराइव तो होते हैं अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में सिंथेसाइज होता है प्लास्टिड में एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में ऑक्सीडेशंस होते हैं ऑक्सीडेशन होने के बाद जो जिबरेलिक एसिड 12 बना है वो साइटोसोल में आके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के होने के बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जिबरेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है अगर हम अब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें बच्चों तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में मैंने आपको बता दिया स्टेम एलोंगेशन कहाँ करता है इंटर कैलोरी मेरिस्टम को एक्टिवेट करता है या उस पर इम्पार्ट करता है रोल ताकि वो डिवाइड करे और सेल को एलोंगेट करे ठीक है तो यहां पे सेल डिविजन होने के बाद सेल एलोंगेशन होता है जिसकी वजह से आप देख सकते हो स्टेम एकदम से एलोंगेट करती है या ग्रो करती है फिर अगर हम सीट जर्मिनेशन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया जो हमारा अल्फा माइलेज है जो एंडोस्पर्म में हम क्या करते हैं एल्यूरोन लेयर में अल्फा Different hydrolytic enzymes, जो stored food present होता है एंडोस्पर्म में उसको तोड़ने का काम करती है और फूड को इजी या सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करती है ग्रोइंग या जर्मिनेटिंग सीड में या फिर embryo को different parts को ये क्या करती है न्यूट्रिशन uh, प्रोवाइड करने का काम करता है लेकिन ये सारी चीजें कैसे होती है ये सारी चीजें होती है जब जिब्रेलिक एसिड का प्रेजेंस होगा ठीक है उसके अलावा फ्लारिंग इंड्यूस कर दी मैंने आपसे बोला ना बेड डॉर्मसी को ब्रेक करता है फ्लारिंग को इंड्यूस करता है जैसे अगर आपने किसी भी रोसेट टाइप या किसी भी ऐसे पौधे को एसिड की ट्रीटमेंट दी है तो आप उस पौधे को कॉम्पिटेंट बना देते हो कि फेवरेबल जैसे ही कंडीशन आएगी वो फ्लावर कर जाएगा ठीक है अब फ्रूट सेट मतलब क्या होता है क्वेसेंट ओवरी को आप कन्वर्ट करते हो इंटू डेवलपिंग ओवरी तो गिब्रेलिक एसिड की ट्रीटमेंट से ये भी होता है फाइनली अगर हम सीट डॉर्मेंसी ब्रेक की बात करें हम फायर से या फिर स्कैरिफिकेशन या फिर हम डिफरेंट चीजों से सी को ब्रेक कर सकते हैं उसमें एक मेथड और होता है is, हो वो ग्रो कर जाता है उसको बोलते हैं सीडोर्मेंसी ब्रेक करना जो कौन करता है, करता है बच्चों आई होप आपको जितना आई आई टी जैसे पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग

एक अनफेवरेबल कंडीशन में इनहिबिट करके रखेंगे इनहिबिटर्स में आप एपसाइसिक एसिड और इथाइलिन पढ़ते हो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स में आप लोग ऑक्सीजन पढ़ते हो साइटोकाइनिन पढ़ते हो एपसाइसिक एसिड पढ़ते हो और लास्ट आप किसको पढ़ते हो जिब्रेलिक एसिड को जो हमने कर लिया है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करने की ठीक है तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा थैंक यू सो मच